वर्शिप एक जरिया है परमेश्वर के उपकारों को याद कर करके उसे बताने का कि तू कितना भला है, तू कितना महान है, तू कितना दयालु है। तूने मेरी गरीबी से मुझे बाहर निकाला, तूने मुझे मेरी बीमारियों से बाहर निकाला। जब मैं कुछ भी नहीं था तब तू साथ में था, जब मैं कुछ हूं तब की बात नहीं है, तू तो मेरे साथ तब था जब मैं कुछ भी नहीं था। खुदा, I love you my Lord, I praise you Jesus, I worship you। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों चाहता है परमेश्वर हम आराधना करें? वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ गीत गाएं, वो चाहता है आराधना के द्वारा आप में से हर कोई उसके उपकारों को याद करे, उसे धन्यवाद दे। क्योंकि बाइबल कहती है धन्यवाद करने वाला बलिदान चढ़ाता है, धन्यवाद देना एक सैक्रिफाइस है। और जानते हो, गीतों को गा गा कर उसके उपकारों को याद कर करके मैं आपको कहना चाहता हूं आप उसकी उपस्थिति में आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बाइबल कहती है जब जिब्राइल स्वर्गदूत, बाइबल बताती है जब स्वर्गदूत मरियम से मिलता है तो मरियम को क्या कहता है, मरियम सुन, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से आजाद करेगा। और वो अंत में पता है क्या कहता है, यह बात याद रख, परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। याद रखिए, यहां देखिए, सुन लीजिए मेरी बातों को पहले, याद रखिए, वहां पर स्वर्गदूत यह नहीं कहता कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कहता है परमेश्वर के साथ कुछ असंभव नहीं है। प्रेजेंस ऑफ गॉड में जाने के लिए आराधना करनी पड़ती है। जब आप प्रभु की आराधना करते हो आप उसकी उपस्थिति में जाते हो, और जो उसके साथ रहते हैं उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है।